जहां देश भर में सतगुरु कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी कबीर जयंती समारोह की खास धूम देखने को मिली। मंडी जिला के अंतर्गत आने वाले कई जगहों में सतगुरु कबीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सोमवार को जहां देशभर में श्री सदगुरु कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी कबीर जयंती समारोह की खास धूम देखने को मिली है। मंडी जिला के तहत हराबाग, पुलघराट, दानबग्गी और टारना में कबीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कबीर गुरुद्वारा टारना कमेटी के अध्यक्ष रूप सिंह कौडल ने बताया कि कबीर जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर सदगुरु कबीर साहिब के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि जयंती के अवसर पर कमेटी के द्वारा भव्य नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगत ने भाग लिया है। साहिब जी, मैं रूप सिंह कौंडल, प्रधान कबीर गुरुद्वारा टारना, जिला मंडी। हमारा कबीर साहिब का 621वां हम जन्मदिन मना रहे हैं। ये जन्मदिन हम जिले में चार जगह मनाते हैं। पहला हमने प्रोग्राम हराबाग जंगल में किया, उसके पश्चात ये प्रोग्राम दान में हुआ और पिछले परसों हमारा यह टारना का जो प्रोग्राम है वो कुल हर गुरुद्वारे से शुरू हुआ, वहाँ से नगर की ओर नगर कीर्तन शोभा यात्रा का प्रोग्राम किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने पूरे जोर से इसमें हिस्सा लिया, बड़े हर्षोल्लास से प्रोग्राम किया गया। शहर से ये शोभा यात्रा नगर कीर्तन जो है इसकी समाप्ति यहाँ गुरुद्वारा टारना में की गई, संगत को लंगर बताया गया। उसके पश्चात कल का 16 का जो दिन था, 16 के दिन में हमने संतों से सत्संग करवाया। आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में जो कि 17 जून 2019 को कबीर जयंती है, पूरे भारत में जोर शोर से मनाई जा रही है। हम भी आज कबीर जयंती को पूरे जोर शोर से मना रहे हैं। श्रद्धालु बहुत तादाद में इकट्ठे हैं और इसको बड़े तन मन ढंग से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी यहाँ संतों का प्रवचन हो रहा है, संतों के प्रवचन के बाद गुरु जी का लंगर होगा, गुरु जी के लंगर के बाद इस प्रोग्राम की समाप्ति होगी। साहिब होंगी, साहिब होंगी।